आरोप लग रहे हैं कि पहाड़ की सभ्यता और संस्कृति झारखंड में बदल रही है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि एक आदिवासी समाज जो अब अपने आप को बदल रहा है। आरोप ये तमाम अब लग रहे हैं झारखंड में सक्रिय ईसाई मिशनरियों पर। ये सालों से आरोप लगते आ रहे हैं। जो विपक्षी दल है फिलहाल अभी वहाँ बीजेपी, उन्होंने मुखर होकर इस आवाज़ को उठाया है कि मतांतरण जो है बहुत ज़्यादा झारखंड में हो रहा है। अभी हाल के दिनों में देखें, विधानसभा चुनाव से पहले संथाल में जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठ को लेके, तो हजारीबाग और पाकुड़ जैसे कई इलाकों में जो है वो जो पहाड़िया समुदाय जो है वो विलुप्त होते जा रही है। ये आंकड़े, कई आंकड़े हैं जो इसकी गवाही दे रही है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि ईसाई मिशनरियों पर कि शिक्षा और चंद पैसों का प्रलोभन देकर एक आदिवासी समाज को वो लोग मतांतरित कर रहे हैं। तमाम आरोपों के बीच जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने संसद में ईसाई मिशनरियों के लिए आवाज उठाया। हमारे संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्मों को के नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। ईसाई मिशनरियां शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। झारखंड में भी दुर्गम जंगली पहाड़ी इलाकों में जा जाकर शताधिक वर्षों से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलकर मानवता की सेवा मिशनरियों की है, लेकिन अब सरकार ने आते ही FCRA बंद करके बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों के पैसे रोक दिए हैं। टीचर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे हॉस्टल में नहीं रह पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मिशनरी स्कूल्स में कितना क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी भी मिशनरी स्कूल में पढ़ी हैं। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से विल्लूपुरम से उन्होंने पढ़ाई की है। फिर ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी भी डॉन बॉस्को से पढ़े हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वहाँ से पढ़कर आज इस लायक बने हैं कि हम सब यहाँ बैठ पाए हैं। ऐसे में मैं अनुरोध करूँगी कि ईसाई मिशनरियों के लिए जो FCRA आपने बंद किए हैं, जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान वो चला नहीं पा रहे हैं, उनके लिए पुनर्विचार किया जाए और जो बंद FCRA हैं उनको देकर, क्योंकि वहाँ हिंदू और अन्य सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। अगर भेदभाव हुआ होता तो आज हम और आप सभी लोग क्रिश्चियन बन गए होते। तो ये जो FCRA बंद किया गया है, इसे फिर से चालू किया जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो, हमारे राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है। ये बुढ़ापे की लाठी है, सरकार इस पर बजट बनाए। और मैं कहूंगी कि झरिया, धनबाद और करकट्टा कोलियरी में आग लगी हुई है, जमीन के नीचे गांव के उजड़ रहे हैं, उनके लिए बजट बनाकर उन्हें बुझाने की तैयारी की जाए। देश का कीमती कोयला जल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, माइनिंग एरिया में भी 10 मिनट्स।